तो गाइस आ चुका है मिस्ट्री बॉक्स। तो ये है एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं क्रिएविजी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर दीजिए। ऐसा बनेगा रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल आरआर स्पोर्टिंग क्लब। रातू रोड वाली मैया का पंडाल इस बार इस टाइप का बनने वाला है। हर साल की बात थी, इस साल भी मैं दुर्गा पूजा का वीडियो लेके आ चुका हूँ। सबसे ज़्यादा फेमस और हमेशा फर्स्ट आता है ये। तो हम लोग आ चुके हैं बकरी बाजार में और ये देखिए ये यहाँ बन रही है, जो कि इस टाइप का पूरा पंडाल बन रहा है जैसे आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक्सक्लूसिव वीडियो आ रही है, पूरा फोटो दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, अंदर का ढांचा क्या बनेगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस टाइप का आपको ये ढांचा देखने को मिलेगा मंदिर के ऊपर में। इस पूरा स्ट्रक्चर देखिए लकड़ी से बना हुआ है पूरा। इच्छा कर्म ऐसा ही फल, जैसा कर्म वैसा ही फल, यही थीम है। थीम यही पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक आप देखिए कि यहाँ पर पूरा ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला बन गया। थीम होने वाला है इस बार पंडाल का हमेशा रांची रेलवे स्टेशन बकरी बाजार रातू रोड, इसी में टक्कर चलता है कि नंबर वन पोजीशन पे कौन आएगा। तो चलिए लेट्स सी इस बार कौन बाजी मारता है। तो इस बार थोड़ा बड़ा स्पेस लिया गया है और जैसे बहुत अच्छा यहाँ पर थीम बनाया गया है, स्वर्ग और नर्क का बनाया गया है। इस्कॉन टेम्पल बन रहा है गाइस, माया माया मायापुर। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा बनाया जा रहा है। ओपनिंग इस बार क्योंकि बहुत ही लोगों का उत्साह है तो चतुर्थी को ही ओपनिंग हो जाएगा और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। वंस अगेन वी आर बैक। हर साल की बात थी, इस साल भी मैं दुर्गा पूजा का वीडियो लेके आ चुका हूँ कि रांची में कहाँ पर किस जगह पर कैसा कैसा पंडाल बनाया जा रहा है और कितना बड़ा पंडाल और कितना भव्य पंडाल बन रहा है। दो साल के बाद रांची में भव्य दुर्गा पूजा बनने वाली है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल। देख सकते हैं मेरे पीछे पंडाल बनना स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिनों का समय रह चुका है। गाइस अभी हम लोग रांची के जितने भी सारे पंडाल है सब कवर करने वाले हैं। पूरा स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा किस टाइप का पंडाल बन रहा है, फोटो दिखाऊंगा सारा कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। एक रिक्वेस्ट आप सभी के, जय माता दी बोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो चलिए तो अभी हम लोग सबसे पहला पंडाल है देख रहे हैं, वो है रांची रेलवे स्टेशन। तो रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जैसा अभी कोरोना काल में बहुत छोटा छोटा पंडाल बन रहा था लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा विशाल पंडाल बन रहा है। तो देख सकते हैं वो कुछ इस बार अलग टाइप से बन रहा है, गोल टाइप से आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसके ऊपर जो गुंबद भी देखिएगा वो भी कुछ राउंड शेप में है। तो आइए हम उसको पता लगाते हैं। यही आपका एंट्रेंस रहेगा भाई, मैं आपको दिखाऊंगा इस बार जैसे एंट्रेंस इधर से रहेगा, हो सकेगा इस एंट्रेंस इधर से भी हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है एंट्रेंस इधर से रहा है एग्जिट इधर से। तो जैसा आप देख रहे हैं पिछले बार जैसा बना था तो ये पूरा गोल था, लास्ट ईयर जैसा बना हुआ था पूरा गोल था और माँ यहीं पर विराजी थी, लेकिन इस बार आपको कुछ दूसरे स्टाइल से बना जा रहा है। और सामने देख सकते हैं विशाल इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आइए थोड़ा क्लोज से देखते हैं हम लोग। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे आपको मूर्ति होता है वो अलग से बनाया जाता है, लेकिन एक माँ का प्रतिमा देख रहे इसी के अंदर बच रहा है, बनेगा इसी के अंदर पूरा ये ढांचा जो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, उसी में ये माँ का यहाँ पर आपको मूर्ति बनेगा, माँ यहीं पर विराजी की। और देख सकते हैं कितना हाइट भी इस बार रखा गया है बहुत ही ज़्यादा। और देखिए चारों तरफ काम चल रहा है पंडाल की किस डिजाइन से बन रहा है, कहीं मंदिर के कुछ दृश्य काल्पनिक है, तो मतलब क्या से बन रहा है, चूड़ी से बनता है, बांस से बनता है, किससे बन रहा है, ऊट से, ऊट से लकड़ी से, पूरा लकड़ी से, मतलब प्रतिमा ऐसी ही बनेगी। हाँ। और ये पूरा लकड़ी से पंडाल बन रहा है। हाँ। चारों पूरा बाहर से जितना भी स्ट्रक्चर पूरा लकड़ी है, लकड़ी। अच्छा कोई बांस जैसे कुछ नहीं, पूरा लकड़ी से बन रहा है। अच्छा तो एंट्रेंस ये रहेगा कि एग्जिट रहेगा, अच्छा एग्जिट इधर रहेगा, अच्छा पूरा लकड़ी से बन रहा है। कुछ एक रिक्वेस्ट आप सभी के, जय माता दी बोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो चलिए इधर से एंट्रेंस है और इधर से एग्जिट है। तो देख सकते हैं गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, इधर देखिए जैसा आप देख रही है पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर देखिए लकड़ी से बना हुआ है पूरा, ऊपर भी देखिए और साइड में मैं आपको जैसे पंडाल का बाहर का मैं ढांचा दिखाऊंगा जहाँ पर माँ भी राजी की मेन जो स्ट्रक्चर है ये देखिए पूरा लकड़ी से बनाया जा रहा है। जूम करके आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल इस बार भव्य बन रहा है, दो सालों के बाद
बहुत ही वेट हो रहा है, बहुत ही दूर लोग जो आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। तो हमेशा रांची रेलवे स्टेशन, बकरी बाजार, रातू रोड, इसी में टक्कर चलता है कि नंबर वन पोजीशन पे कौन आएगा। तो चलिए लेट्स सी इस बार कौन बाजी मारता है पंडाल में, मूर्ति में, लाइटिंग में, सजावट में और आर्किटेक्चर और खूबसूरत में। तो गाइज ये है रांची रेलवे स्टेशन। क्या बीडी किसके पास है? वो तो भैया का पास है, मुन्नू भैया का। तो मूर्ति वहीं से इसी बन रहा है? हाँ, इसी में सेटिंग हो रहा है इस साल। इसी में मतलब अलग से मूर्ति नहीं बन रहा है ना? तो कैसे देख सकते हैं ये भी आपका पूरा बांस से बनाया गया है डिज़ाइन, जिसका पेंट किया जा रहा है। हो सके ये भी थोड़ा डिज़ाइन क्रॉस या क्रॉस स्ट्रक्चर या खड़ा करके बनाया जाएगा, तो वो तो हम लोग देखेंगे जब बनेगा तब। चलिए हम लोग अब चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं रातू दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां अभी हम लोग आ चुके हैं आर स्पोर्टिंग क्लब, जहां पर आपका पंडाल बनना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं अभी दुर्गा मंदिर है, बगल में साईं मंदिर है और उसके जस्ट अपोजिट में आप देखिएगा तो पंडाल दिखेगा आपको। तो ये रहा हर साल की बात, इस साल भी रांची दुर्गा पूजा में आर स्पोर्टिंग क्लब फिर से आ चुके हैं। दो सालों के बाद भव्य पंडाल बन रही है गाइस। ऐसे पंडाल का इंतजार हमारे बहुत दिनों से हो रहा था कि पंडाल कब बनेगी, कब इतने लोगों का भीड़ होगा, कब भव्य पंडाल बनेगी। तो मेरे भी देख सकते हैं काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। आज से लगभग 20 से 25 दिन बची हुई है दुर्गा पूजा में और पंडाल देख सकते हैं सारे कुछ लगे हुए हैं। इस वजह से लग रहा है कि बहुत ही बड़ा पंडाल बनने वाला है। उसके मतलब अंदर चलते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या यहाँ पर दृश्य बनेगा। और मैं आपको बता देता हूँ जो दृश्य बनने वाला है, जो यहाँ पर का थीम बनने वाला है, वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि क्या यहाँ पर क्या थीम होने वाला है इस बार पंडाल का। तो चलिए हम लोग अंदर जाके पंडाल को देखते हैं, माँ के दर्शन कर लीजिए एक बार यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग आर स्पोर्टिंग क्लब रातू दुर्गा पूजा पंडाल में हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रही है और जैसा मैं बताया इस बार बहुत ही बड़ा पंडाल बनने वाला है। अभी जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको पंडाल में यहाँ पर माँ विराजती है। इधर दिखाइए कैमरा मैन, तो इधर देखिएगा, तो यहाँ पर है जो कि माँ विराजती है, यहाँ माँ विराजेगी और यहाँ पर आपका एंट्रेंस रहेगा, इधर से एग्जिट रहेगा। तो हम लोग पता करते हैं कि क्या यहाँ पर बन रहा है और कहाँ से कारीगर सारा कुछ आए हैं। तो देख सकते हैं पंडाल का हाइट आपको किस तरह का मिलेगा। ये आपके सामने जो देख रही है पूरा एंट्रेंस रहेगा। तो भैया कहाँ से आए आप लोग? मेदिनीपुर से आए। कहाँ से आए हैं? कोंटाई से, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर बंगाल? बंगाल से। बंगाल से। तो कितना दिन लगेगा बनने हैं पंडाल? बनने तो चलेगा पूजा तक से चलेगा। पूजा तक ओपनिंग कब हो रहा है? पंचमी, षष्ठी, पंचमी। इस बार तो जल्दी ओपनिंग होगा, भीड़ ज्यादा होगी। क्या बन रहा है अभी? इसमें टेक्सचर बन रहा है, टेक्सचर जो तो लकड़ी और प्लाई और ये पाटाम और बांस का जो फाड़ के उसको बना रहा है। तो गाइस आ चुका है मिस्ट्री बॉक्स, जहां पर आपको मॉडल दिखेगा अभी कि किस टाइप का ये पंडाल बनने वाला है। ये एक्सक्लूसिव मैं आपको पूरा मॉडल दिखा रहा हूं, पूरा ब्लूप्रिंट। तो देखिए इस टाइप का पंडाल है। ये कहां का सीन है जी? तो मंदिर उंदिर लग रहा है कहीं का? नहीं, मंदिर नहीं, मंदिर नहीं है। अच्छा, अच्छा हाथ पकड़ सकते हैं ना, देखिए। तो ये है एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं क्रिएविटी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर दीजिए। ऐसा बनेगा रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल आर स्पोर्टिंग क्लब। रातू रोड वाली मैया का पंडाल इस बार इस टाइप का बनने वाला है। एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आपको मैं चारों दिशा में आपको दिखा दूँ। तो इस टाइप का ये मॉडल है, तो ये आपको फ्रंट में बनेगा और ये है लेफ्ट साइड में बनेगा आई थिंक सो। और देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा पंडाल बनेगा इस बार। ऐसा कार्ड है, बांस है, कार्ड। अच्छा कार्ड से बनाया जाएगा, कार्ड और बांस ये सब मिला के बनाया जा रहा है। और कहाँ पर माँ विराजेगी? वो ये को दर्शन करने के लिए गेट है। अच्छा ये गेट रहेगा, ये टूटा जाएगा? हाँ ये टूट जाएगा। इधर से भी एंट्री रहेगा? हाँ एंट्री। अच्छा अब माँ कहाँ विराजेगी? इसके ऊपर? ये सीधा, इसका सीधा में यहाँ पर माँ विराजेगी। इधर से निकलना रहेगा ना? यहाँ पर रहेगा माँ विराज, इधर से एग्जिट रहेगा, माँ का मंदिर से आएगा तो इधर से घुसना। अच्छा ऐसे, और ये सामने बंद रहेगा क्या? नहीं, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो गाइस देख सकते हैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिस्ट्री बॉक्स में ही रखा गया है, मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ये पूरा है, ये गुप्त रखा गया है बाय द वे। तो ये है रातू रोड जो कि हमेशा नंबर वन या सेकेंड तो आती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पंडाल चलते हैं जो कि है बकरी बाजार। थैंक यू भैया आप लोगों का।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रांची बकरी बाजार नव युवक संघ, जो कि पूरे बात करूं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न इंडिया में बंगाल को छोड़ के सबसे ज़्यादा फेमस और सालों से चलते आ रही परंपरा और हमेशा फर्स्ट आता है ये। तो हम लोग आ चुके हैं बकरी बाजार में और ये देखिए ये यहाँ बन रही है जो कि मायापुर बंगाल में इस्कॉन टेम्पल है, उसका यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, टेम्पल बनाया जा रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊँगा, पूरा फोटो दिखाऊंगा, अंदर का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ढांचा किस टाइप का बन रहा है, सारा कुछ तैयारी हो चुकी है। गाइज हम लोग आ चुके हैं मोस्ट अवेटेड बकरी बाजार में, हम लोग आ चुके हैं गाइज सबसे डिमांडेड, देख सकते हैं मेरे पीछे पंडाल क्या भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर बन रहा है गाइज एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक्सक्लूसिव वीडियो आ रही है, पूरा फोटो दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, अंदर का ढांचा क्या बनेगा, सारा कुछ दिखाऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज। देख सकते हैं एक बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं ये आपको मैं बाहर से पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, सारे कारीगर भी काम से काम जोरदार से चल रहा है, सारे बंगाल से जो कारीगर आते हैं वो आए हुए हैं। और मैं आपको जैसे अंदर का भी दिखा रहा हूँ, चलिए अंदर भी दिखाता हूँ। ये देखिए मंदिर के यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन चुका है बोले जाएगा तो पिल्लर, और ऊपर भी देखिए पूरा काम हो रहा है। इस्कॉन मंदिर अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप पर ये पूरा मंदिर देखने को आपको मिलेगा जो कि है बकरी बाजार मायापुर का इस्कॉन। ये मायापुर बंगाल वाला इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन अच्छा, टेंपल बन रहा है, इस्कॉन टेंपल बन रहा है गाइस, माया कौन मायापुर इस्कॉन टेंपल मायापुर जो बंगाल में है, जो कृष्ण जी का मंदिर है इस्कॉन ना जी, कृष्णा जी का, हाँ कृष्णा जी का मंदिर है, तो वो बन रहा है। तो कुछ फोटो दिखा देते हैं आप लोग कैसे बन रहा है और किस टाइप से बन रहा है, प्लाई पूरा प्लाई पूरा प्लाई पूरा थीम प्लाई से। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ पंडाल गाइस इस टाइप का बनेगा जो कि इस्कॉन टेंपल है मायापुर बंगाल का, और इस टाइप का पूरा ये ब्लू ही रहेगा, कलर भी गाइस पूरा सेम रहेगा, इस टाइप का पूरा पंडाल बन रहा है जैसे आप देख सकते हैं। इस्कॉन टेंपल जो कि है ये बंगाल में, ये पूरा गुम्बद उम्बद सारा कुछ रहेगा जैसा है आपको देख रहा है, बहुत ही भव्य बन रहा है। दो साल के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रांची में फिर से भव्य से भव्य दुर्गा पूजा होने वाला है इस बार, और ये है थीम यहाँ का। मैं आपको पंडाल बाहर से दिखाता हूँ और स्क्रीन पे भी आप ये देख सकते हैं क्या बनेगा। आपको पंचमी को खुलना है ना कि षष्ठी, नहीं ओपनिंग तो चतुर्थी का, चतुर्थी का हो जाएगा, इसका भीड़ ज़्यादा रहेगा ना इसलिए, सही है चलो लो इधर लो। तो जैसा हमने जाना कि ओपनिंग इस बार क्योंकि बहुत ही लोगों का उत्साह है तो चतुर्थी को ही ओपनिंग हो जाएगा और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये मूर्ति कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इसी में इसका एकदम सट के उधर बनेगा ना, एकदम मूर्ति देखिएगा माँ का प्रतिमा एकदम पीछे से रहेगा। और एंट्री किधर से है, एंट्री इस साइड, इस साइड दोनों साइड ये फ्रंट से एंट्री है, इस साइड लेडीज जेंट्स दोनों साइड, लेडीज जेंट्स इधर एंट्री है दोनों साइड, और ऐसे उधर एग्जिट, एग्जिट है दोनों साइड, दोनों साइड देख सकते हैं गाइस दिखा दीजिए, यहां पर दोनों साइड आपको एग्जिट देखने को मिलेगा। तो भीड़ को भी यहां संभालने का व्यवस्था किया गया है, एंट्री रहेगा दोनों साइड से, बीच में बैरिकेड रहेगा, अब बीच में बैरिकेड रहेगा लेडीज और जेंट्स का, और सामने मां की प्रतिमा रहेगा। और ऊपर ऊपर क्या क्या बन रहा है, ऊपर भी पूरा ऊपर में भी बनेगा, ऊपर में उसका फोटो भी है, दिखाइए। तो गाइस देख सकते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का ऊपर का जो ढांचा रहता है ना ऊपर में, ये इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, फोकस करो ना, तो इस टाइप का आपको ये ढांचा देखने को मिलेगा मंदिर के ऊपर में, इस टाइप का बनेगा। और ये क्रीम कलर भी सेम रहेगा, कलर भी गाइस सेम रहेगा, मतलब मंदिर का पूरा ए टू जेड अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा दर्शाने का यहाँ प्रयास किया गया है। धन्यवाद भैया। गाइस हम लोग अब आ चुके हैं राजस्थान मित्र मंडल, जो कि आपका जो तालाब बड़ा तालाब जो उसके बगल में पड़ता है, और हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। तो हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, जो भी है सारा कुछ पंडाल के अंदर है, हाँ हम पंडाल के अंदर है, जो भी है सारा कुछ पंडाल के अंदर है। और हम लोग जानेंगे तो आपका नाम भैया, तपन कुमार सेन। अच्छा देखते हैं तपन जी है जो कि यहाँ का पंडाल के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा थीम बताइए कि पंडाल में क्या थीम बना। थोड़ा थीम जो हम करते हैं तो सरग नरक, जैसा कर्म ऐसा ही फल, जैसा कर्म वैसा ही फल, यही थीम है, यही थीम है। अच्छा तो ये पंडाल का बाहर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब अंदर है, इस बार जो हो रहा है बाहर कुछ नहीं है, अंदर है, सब अंदर है। तो गाइस जैसा राजस्थान मित्र मंडल रहता है कि बाहर में बहुत अच्छा बनाया जाता है और अंदर भी साथ ही साथ, लेकिन इस बार क्या है पूरा थीम पूरा स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे चारों ओर पूरी अंदर है, ये नरक और स्वर्ग वाला बनाया गया है, नरक और स्वर्ग वाला। अच्छा तो ये किस मटेरियल से यूज करके बनाया जा रहा है, सब बांस हो गया, लकड़ी हो गया, प्लाई हो गया, इस बार क्या बन रहा है, इसके कपड़ा भी है, कपड़ा भी है, जूट भी है, जूट भी है, मेरा रारिंग मूर्ति है, रुई है, रुई भी है, हाँ तो सारा मटेरियल यूज करके बनाया जा रहा है, मिक्स करके
जी, इलेक्ट्रिक पुतुल भी है, इलेक्ट्रिक चलने वाला, चलने वाला। अच्छा ये पूरा चलेगा? ये पूरा चलेगा, इधर इधर पूरा चलेगा, बैठेगा। अच्छा आइए यहाँ दिखाते हैं, इधर से इधर आइए। तो जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरा बनाया जाएगा, जो भी थीम है वो इलेक्ट्रिक होगा। याद कीजिएगा इस, बहुत पहले 5 से 8 साल पहले बनाया जाता था इलेक्ट्रिक चलने वाला, वो फिर से अब हम लोग देखने को मिलेगा। पूरा शासन करता है, ठीक है। अच्छा तो ये देख सकते हैं, यही पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक आप देखिए यहाँ पर पूरा ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला बना। क्या चलेंगे इसमें, भगवान की मूर्ति रहेगा या फिर? भगवान का मूर्ति रहेगा, यमराज रहेगा, यमराज भी रहेगा, यमराज भी रहेगा, यमराज भी रहेगा, स्वर्ग द्वार रहेगा, स्वर्ग द्वार। अच्छा स्वर्ग द्वार नरक द्वार दोनों का बनाया गया, इधर स्वर्ग द्वार है, इधर स्वर्ग द्वार है, इधर नरक द्वार है। तो जो भी है इस बार अंदर है, और काफी भव्य काफी बड़ा बनाया जा रहा है, हर साल की बात इस साल भी। और माँ का प्रतिमा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 10 फीट ऊपर में रहेगा, इसे माँ का प्रतिमा यहाँ पर रहेगा। देख सकते हैं ये स्वर्ग हो गया, उधर नर हो गया, एंट्री किधर से रहेगा? अच्छा एंट्री इधर से रहेगा और एग्जिट इधर से रहेगा, पहाड़ बनेगा, पहाड़ रहेगा। अच्छा बाहर जो ऐसे पर छेका रहेगा, ऐसे पर ब्लैक रहेगा बाहर में? अच्छा बाहर सजावट होगा, अच्छा बाहर सजावट होगा, लेकिन जो भी पूरा स्ट्रक्चर है सारा कुछ अंदर रहेगा। कुछ यूनिक देखने को मिला है, सभी जगह पंडाल देख सकते हैं, कोई मंदिर बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर थीम बनाया गया है, स्वर्ग और नर्क का बनाया गया। तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ साइड से, ये इसी टाइप का दिखेगा गाइज, जो कि है राजस्थान मित्र मंडल। तो वेट करते हैं ओपनिंग कब है, चतुर्थी के पंचमी, चतुर्थी इस बार चतुर्थी को जाएगा, क्योंकि यार 2 साल बाद भीड़ बहुत होगी, इस बार भयानक मतलब बहुत ही भव्य बनने वाला है। तो भीड़ के इसीलिए जल्द से जल्द खोल दिया जा रहा है कि लोग आके दर्शन कर सकते हैं। ये है गाइज राजस्थान मित्र मंडल दुर्गा पूजा। तपोन भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देके निकालने के लिए, और भैया आप लोग सभी का बहुत धन्यवाद। सब यहाँ सब बंगाल से हैं? बंगाल से कहाँ पर आते हैं? बंगाल से खड़गपुर, मान लो खड़गपुर। अच्छा देख सकते जितने पंडाल बनता है जो अगली सब जो बंगाल से ही आते हैं, तो बहुत ही अच्छा कलाकार इनके द्वारा किया जाता है, और हम हमेशा यहीं का बनाते हैं पंडाल जी, देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम लोग वेट करते हैं पंडाल देखने का। चलिए गाइज अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं OCC क्लब बंगला स्कूल दुर्गा पूजा समिति, जहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी पंडाल बन रहा है। आप देख सकते हैं इस बार पंडाल जो 2 साल से ज़्यादा नहीं बना था, इस बार बड़ा पंडाल बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो आगे का जो होता है वो पीछे करके बनाया जा रहा है। तो इस पर थोड़ा बड़ा स्पेस लिया गया है, और देख सकते हैं इधर से एंट्री एग्जिट मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको झूला वूला वगैरह सारा कुछ लगता है यहाँ पर हमेशा, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है ये बंगला स्कूल। आइए हम लोग देखते हैं, पता करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं OCC क्लब पूजा कमेटी सिंस 1971। आइए हम लोग अंदर जाके थोड़ा पता करते हैं कि क्या यहाँ पर दृश्य बनाया जा रहा है। तो जैसे अभी ढांचा जैसे देखने को मिलेगा, वो अभी पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। आइए लोग अंदर जाके पता करते हैं क्या थीम रहेगा, मतलब बाहर कोई बांस है, लकड़ी है, जूट का। अभी हम लोग आ चुके हैं OCC कमेटी बंगला स्कूल रांची दुर्गा पूजा क्लब में, जहाँ पर आपको देख सकते हैं अंदर में पूरा पंडाल का काम जो हो रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और जैसे पता चला है कि वो जो भी यहाँ के जो थीम है वो काल्पनिक है, बट जो भी थीम जो डिज़ाइन बनाया जाएगा वो जूट से बनाया जाएगा। तो जूट से बनाया जाएगा ये डिज़ाइन, देख सकते हैं इस बार 2 साल से जो बहुत छोटा पंडाल बन रहा था आगे में, लेकिन इस बार देख सकते हैं बड़ा भव्य पंडाल बन रहा है। और इधर एंट्री एग्जिट जैसा मैं आपको बताया, और माँ बिराई जी की यहाँ पर, तो माँ का मूर्ति सारा प्रतिमा यहीं पर लगेगा आपको। और हाइट भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट है पिछले 2 साल के मुताबिक, और पूरा डिज़ाइन है वो जूट से बनाया जा रहा है। और सर आप लोग बंगाल से है ना, तो देख सकते हैं जैसे जैसे हर साल होता है पूरा रांची या कहीं बोलिए तो मैक्सिमम बंगाल से ही कारीगर जो आते हैं पंडाल को बनाते हैं, और इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा बनाया जा रहा है। और इधर की बात करें तो इसे अभी देख सकते हैं उस टाइप का बनाया जा रहा है डिज़ाइन, और इधर भी देखिए पूरा काम चल रहा है। और उस टाइप का हो सके कुछ स्ट्रक्चर होगा जो खड़ा या क्रॉस में हो सकता है, जैसा यहाँ का 2-3 साल जो पुराना पंडाल था 2017-16-15 में उस टाइप का बनाया गया था, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी टाइम है ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन। तो यही है OCC क्लब दुर्गा पूजा समिति का पंडाल, जो कि जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद रांची मेन रोड, देख सकते हैं ये सरजना चौक मेन रोड, फिरियाला चौक जो भी बोलिए, चंद्रशेखर आज़ाद में हम पहुंच चुके हैं। उधर अभी गणपति जी का पंडाल बना है, और दुर्गा पूजा का पंडाल इस बार अंदर बनने वाला है, देख सकते हैं ये हम हर बार ये तोड़ा जाता है। और चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, शायद अंदर बनने वाला है दुर्गा पूजा का पंडाल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देख सकते हैं कुछ अभी आपको इसी टाइप का बनाया गया है, अभी तो बनना बाकी है पूरा, तो लेकिन अभी देख लीजिए काम शुरू हो चुका है पंडाल बनने का। और यहीं पर बनेगा रांची दुर्गा पूजा चंद्रशेखर आज़ाद जो समिति है वह बनने वाला, जो सदर हॉस्पिटल के अंदर बनता है। देख सकते हैं सदर हॉस्पिटल के अंदर ये इस बार बन रहा है, मतलब इसके अंदर बाउंड्री जो तोड़ के बनाया जाता है इस बार उसके अंदर ही बन रहा है। हो सके तो बाहर बनेगा, तो अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सके इधर तोड़ा गया है तो पक्का इधर बनाया जाएगा। इंट्रेंस आपका यही आसपास रहेगा, ये है आपका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति मेन रोड। और अभी इधर देखिए दही हांडी का प्रोग्राम हुआ था, और उधर अभी गणपति जी का मतलब गणपति जी पंडाल वहाँ बना है। एक रिक्वेस्ट आप सभी के, जय माता दी बोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है गाइस।